चीजें खास। दिल्ली में बहुत ही इस बार का दौरा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि माननीय भारत की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का न केवल उनका मुलाकात हुई बल्कि उन्हें छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के लिए आमंत्रित करने का अवसर मिला और उन्होंने अपनी सहमति दी है। उपराष्ट्रपति जी का शपथ हुआ और सम्मानीय वेंकैया नायडू जी को आमंत्रित किया। ये दोनों राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय दोनों का समय मिलना छत्तीसगढ़ के लिए इस बार के राज्योत्सव का विशेष आकर्षण रहेंगे। दोनों की उपस्थिति और उसके साथ ही साथ मुझे पूरे आयोजन में राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति के साथ भागीदारी मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई और छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर 40 मिनट काफी गंभीरता से उन्होंने सभी बातों को सुना और मुझे लगता है कि इस विषय में जो भी उनका मार्गदर्शन मिलेगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अमित शाह जी से मुलाकात हुई है, उसके पहले ब्रिजमोहन जी भी मिले जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ये कुछ सफाई देने और फिर उसके बाद शासन का पक्ष रखने की बात थी वहाँ पे। ये छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक अवसर है और मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने यह अवसर दिया, यह आशीर्वाद दिया और ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से लगातार इतने लंबे कार्यक्रम में सेवा करने का अवसर मिला। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को ही बधाई दूंगा कि छत्तीसगढ़ जिले आज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये सामूहिक प्रयास से। छत्तीसगढ़ के अंदर काफी सूखे के आसार दिख रहे हैं, उसके लिए कुछ आप लोग अभी कुछ नया कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, इस विषय को लेकर हमारे विकास युवा नीति आज आपकी मोदी पार्टी की ओर से युवा नीति आ रही है आपकी, आज उसमें क्या आप लोग? युवा नीति का एक प्रारूप बना है और युवा मोर्चा का भी आज उस पे सुझाव होगा। कुल मिला के अभी युवा नीति को हमने सभी को मिशन में दिया है, काफी अलग अलग विभाग के कनेक्ट बने हैं। युवा मोर्चा ने भी काफी बैठक किया है और पाकिस्तान तक गए 1000 युवकों से उनको सुझाव मिले हैं, उनके भी सुझाव का समायोजन। कब तक समायोजन के साथ नई युवा नीति आप दे सर? आईएएस के ऊपर लगातार कार्रवाई से केंद्र सरकार कर रही है सर, और कितने लोग हैं जिनका नाम होगा? ये केंद्र सरकार के फैसला इस पर होता है और अनुमान नहीं होता कि किसकी बढ़ता है, लेकिन अग्रवाल साहब ने कहा कि एक तरफा हुई है कार्रवाई क्योंकि उनके जैसे मामले तो बहुत सारे लोगों के हैं। हाथी और हाथी के बीच परिस्थिति हुए कैसे सामंजस्य कैसे हो, टकराव कैसे कम हो, यही हम आज